हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। सर दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं गेट लाइफ साइंस सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, उसका यूनिट नंबर 4 जो कि है सेल बायोलॉजी, उसका भी हम आज पार्ट 3 देखेंगे। उससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, ओके। तो और भी बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस सब्जेक्ट और टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर सेल बायोलॉजी पार्ट नंबर 3, ओके। मतलब इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2024 से 2009 तक के सब क्वेश्चन बता दिए। तो चलिए आज देखते हैं, आज भी हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, 20 या 25 क्वेश्चंस, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर द लॉन्गेस्ट फीडबैक लूप। मतलब लॉन्गेस्ट फीडबैक लूप कौन सा होता है हमारा, जो कि होता है रिप्रोडक्टिव स्टेरॉयड हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ओके। ये हो गया उसका लॉन्गेस्ट फीडबैक लूप। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ बायोमेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्फ सीलिंग नेचर। मतलब बायोमेम्ब्रेन की कौन सी प्रॉपर्टी रहती है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर देयर सेल्फ सीलिंग नेचर में। सो उसका आंसर है हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द फैटी एसिड साइड चेन्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ओके। हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द फैटी एसिड साइड चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेल्फ सीलिंग नेचर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ एलडीएल, ड्यूरिंग रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ एलडीएल बाउंड टू इट्स रिसेप्टर। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, बाउंड टू इट्स रिसेप्टर द लिगंड इज डिग्रेडेड एंड द रिसेप्टर इज रिसाइकल्ड, ओके। नेक्स्ट, लैक्टोज अपटेक इन ई कोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखिए, रिपीट हो सकते हैं वन लाइनर, लैक्टोज अपटेक इन ई कोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लैक्टोज सेकेंडरी, लैक्टोज सेकेंडरी। नेक्स्ट, फॉस्फोलाइपिड्स A1 and A2, फॉस्फोलाइपिड्स A1 and A2 रिमूव फैटी एसिड्स फ्रॉम SN1 and SN2 ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलाइपिड्स A1 and A2 रिमूव फैटी एसिड फ्रॉम SN1 and SN2 ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। रिपीट क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, ए भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। इन मैमल्स द सेकेंडरी मैसेंजर नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अर्जिनिन, इम्पोर्टेंट है। इन मैमल्स द सेकेंड मैसेंजर नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अर्जिनिन। नेक्स्ट, डिजिटॉक्सीजेनिन अ कार्डियो एटमिक स्टेरॉयड दैट इनिबिट्स ATPase व्हेन एप्लाइड ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम इनसाइड द कार्डियक मसल सेल्स बाय इनिबिटिंग सोडियम पोटेशियम पंप एंड ब्लॉकिंग सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। मतलब उन्होंने डायरेक्टली डिजिटॉक्सीजेन की आपको मैकेनिज्म पूछा है, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को इनिबिट करता है, ओके, और सोडियम और कैल्शियम के एक्सचेंज को रोकता है। नेक्स्ट, द सेलुलर इन्वायरमेंट इज मेंटेन बाय जनरेटिंग अ ग्रेडियंट एंड ट्रांसपोर्टिंग द सोडियम आउटसाइड द सेल थ्रू। द सेलुलर इन्वायरमेंट इज मेंटेन बाय जनरेटिंग अ ग्रेडियंट एंड ट्रांसपोर्टिंग द सोडियम आउटसाइड द सेल थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्टेरॉयड हार्मोन्स। मतलब उन्होंने स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से करेक्ट कौन से है वो हमें बताने हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है Q and S। देखिए, एक्ट एज अ सेल न्यूक्लियस, सही है, हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स एक्ट होते हैं सेल न्यूक्लियस, ओके, एक्ट एट सेल न्यूक्लियस। नेक्स्ट, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ रिसेप्टर एंड एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल एनहांसर्स, ओके। स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में दो पॉइंट याद रखिए, एक्ट एट सेल न्यूक्लियस एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ रिसेप्टर एंड एक्ट्स एज अ ट्रांसक्रिप्शनल इनहांसर्स। और जो बाकी के दो पॉइंट है, लाइक इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टारगेट एंजाइम, ए गलत है। इंटरैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ऑफ टारगेट सेल, ए भी गलत है। नेक्स्ट, मैच द पेयर्स, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलम वत मतलब कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन, कौन सी सिंथेसिस किस ऑर्गन पे होती है, सेल ऑर्गनल पर, वो हमें बताना है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, जो कि होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन डिग्रेडेशन कहाँ होता है,
वो होता है हमारे लाइसोजोम में। प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन कहाँ होता है? वो होता है हमारी गॉल्गी बॉडीज में। ओके, याद रखिए, प्रोटीन सिंथेसिस एट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन डिग्रेडेशन एट लाइसोजोम एंड प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइको जी एल, जी एल गॉल्गी, जी एल गॉल्गी बॉडी। ओके, ऐसे वन बाय वन वन लाइनर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, द टीएम ऑफ फॉस्फोटिडिलिन कोलिन ए इज हायर देन टीएम ऑफ फॉस्फोटिडिल कोलिन बी। मतलब ए का टी ज़्यादा है बी के कंपेयर में। क्यों? बिकॉज ए हैज़ लॉन्गर चेन फैटी एसिड एंड मोर सेचुरेटेड फैटी एसिड देन बी। ओके, मतलब टीएम ज़्यादा क्यों है फॉस्फोटिडिलिन ए का? बिकॉज उसकी लॉन्ग चेन है और वो कि सैचुरेटेड है। ओके, मतलब उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव प्रोटीन काइनेज सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव प्रोटीन काइनेज सी, तो उसका नाम है डाई एसिल ग्लिसरॉल, जो कि है एक्टिव प्रोटीन काइनेज सी। डाई एसिल ग्लिसरॉल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी, मतलब प्रोटीन काइनेज सी को कौन एक्टिवेट करता है? जो कि करता है डाई एसिल ग्लिसरॉल, DAG याद रखिए, डाई एसिल ग्लिसरॉल, डैक, डैक भी बोलते हैं उसको कभी कभी। डाई एसिल ग्लिसरॉल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द बायोलॉजिकल फंक्शंस मेंशन इन कॉलम ए विथ एंजाइम्स गिवन बिलो सी। मतलब एंजाइम दिए है, मतलब कौन सा एंजाइम का कौन सा बायोलॉजिकल फंक्शन है हमें वो बताना है। ऑप्शन ए में फंक्शन दिए है और ऑप्शन बी में एंजाइम्स दिए है। ओके, नॉट एग्जाम, एंजाइम्स, एंजाइम्स बोलते हैं उसको। डाई एसिल ग्लिसरॉल सिंथेसिस, मतलब डैक, डैक की सिंथेसिस में कौन सा एग्जाम्पल एंजाइम्स होता है हमारा, जो कि होता है फॉस्फोलाइपिड सी, याद रखिए, डैक सी, डैक सी, टैक सी नहीं, डैक सी। ओके, डाई एसिल ग्लिसरॉल सिंथेसिस एंजाइम यूज एज फॉस्फोलाइपिड सी, CREB फॉस्फोराइलेशन, प्रोटीन काइनेज ए, GTP हाइड्रोलिसिस रास एंजाइम। ओके, ये तीन एंजाइम और उनके फंक्शंस याद रखें फ्रेंड्स। डाई एसिल ग्लिसरॉल सिंथेसिस फॉस्फोलाइपिड सी, CREB फॉस्फोराइलेशन, प्रोटीन काइनेज ए एंड GTP हाइड्रोलिसिस रास, GTP हाइड्रोलिसिस रास। ओके, ये क्या है? मैच द डीएनए बाइंडिंग मोटिप्स मेंशन इन कॉलम ए विथ प्रोटीन गिवन इन कॉलम बी। मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ डीएनए के बाइंडिंग मोटिप्स दिए हैं और कुछ प्रोटीन दिए हैं, मतलब उनको पेयर करना है हमें, कौन सा डीएनए बाइंडिंग का मोटिप्स कौन से प्रोटीन से अटैच होता है और कौन से प्रोटीन्स में रहता है वो बताना है हमें। कौन कौन से डीएनए बाइंडिंग के मोटिप्स है, लाइक जिंक फिंगर, ल्यूसीन जिपर, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। ओके, और ऑप्शन में क्या क्या है, सी जंक्शन, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर मोटिफ, हिस्टोन HI, लैम्डा प्रिपर्सर रिप्रेसर। ओके, सो इसके सही आंसर है जिंक फिंगर, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर मोटिफ, ल्यूसीन जिपर, सी जंक्शन, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, लैम्डा रिप्रेसर। हेलिक्स टर्न हेलिक्स लैम्डा, हेलिक्स टर्न हेलिक्स लैम्डा। याद रखिए, जिंक फिंगर का क्या बताया मैंने आपको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। ओके, जिंक, ल्यूसीन, सी जंक्शन, ल्यूसी सी जंक्शन, उसके नाम में देखिए क्या दिख रहा है आपको, ल्यूसीन, ल्यू सीन, सीन मतलब सी जंक्शन, सीन जंक्शन, सी जंक्शन, सीन सी जंक्शन, मतलब आपको ये याद करने ही होंगे, रट्टा मारना ही पड़ेगा उनका। ओके, जिंक फिंगर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ZG, मतलब जेड के, जेड को हम क्या बोलते हैं, जी भी बोल सकते हो। ओके, मतलब कुछ ना कुछ एब्रिविएशन मिलता जुलता है। ल्यूसीन सी जंक्शन, हेलिक्स टर्न हेलिक्स लैम्डा प्रिप्रेसर। ओके, नेक्स्ट, EGF डिपेंडेंट सेरिन फॉस्फोराइलेशन विल बी डिटेक्टेड इन ECF, EGF रिले डिपेंडेंट सेरिन फॉस्फोराइलेशन विल बी डिटेक्टेड इन ओनली द मेम्ब्रेन फ्रैक्शन ऑफ सेल लाइन बी। ओके, बी, EGF डिपेंडेंट सेरिन फॉस्फोराइलेशन
will be detected in only the membrane fraction of cell line B. EGF dependent tyrosine phosphorylation will be detected in only the membrane fraction of both cell lines. मतलब देखिए एक ही पॉइंट से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि है EGF dependent tyrosine phosphorylation जो कि बोथ लाइंस पर रहता है ओके मेम्ब्रेन के दोनों लाइन पर रहता है और सेरिन फॉस्फोराइलेशन हमारा ए लाइंस पर रहता है ओके और टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन दोनों भी लाइंस पर रहता है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स बाइंड टू अ सेल सरफेस रिसेप्टर मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर पर बाइंड होता है जो कि हमारा इंसुलिन ओके इंसुलिन हार्मोन्स बाइंड टू अ सेल सरफेस रिसेप्टर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाई दिस सेकेंड मैसेंजर जो कि है प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाई दिस सेकेंड मैसेंजर ऊपर दिया है वो हम देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर इज जनरेटेड इन दिस केस CAMP मतलब उन्होंने क्या दिया है देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा बाइंडिंग ऑफ ग्लूकेगॉन टू इट्स रिसेप्टर रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेकेंड मैसेंजर मतलब ग्लूकेगॉन के बारे में पूछा है उन्होंने. सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर्स इज जनरेटेड इन दिस केस सो ग्लूकेगॉन के केस में क्या होगा कैंप प्रोड्यूस होगा हमारा जनरेट होगा CAMP और प्रोटीन काइनेज ए जो एंजाइम्स होगा वो एक्टिवेटेड होगा दिस एंजाइम से मतलब कैंप से ओके FOSJUN and MYC are proteins involved in regulation of expression of genes involved in growth promotion. ये तीनों भी हमारे proteins है जो कि involved होते हैं regulation में expression of genes involved in growth promotion. Okay. Next, सबसे पहले मैं question देखता हूँ question देखते हैं हम transmission at many synapses in central nervous system. is mediated by acetylcholine transmission at many such synapses in central nervous system is mediated by acetylcholine is cleaved to acetate and choline by the enzyme acetylcholine esterase which can be inhibited by diisopropyl phosphofluoride DIPF okay so the mode of action of diisopropyl phosphofluoridate मतलब DIPF is by covalently modifying a crucial serine residue मतलब mechanism पूछा है उन्होंने DIPF का so covalently modifying a crucial serine in the protein okay next based on mode of action DIPF is used as मतलब DIPF की जो mechanism है उसके basis पर उसकी action पूछी है मतलब उसका use पूछा है उसको use करते हैं हम as a nerve gas में okay सेरिन सैबम वो आपको पता है क्लासिफिकेशन में टैबम सेरिन जो कि वो रहते हैं उनमें ही ये होता है नर्व गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दो क्वेश्चन और देखेंगे और बाकी के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके. सो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के टॉपिक का द एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ओके सिंपल है द एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ना कि डीहाइड्रो तो हो गए नहीं डाइहाइड्रो ऑक्सी ए भी नहीं होगा डीहाइड्रो इपिनडाइएस्टेरोन ए भी तो नहीं होगा. सो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. सो दोस्तों अभी लास्ट पार्ट में हम बचे जितने 20 क्वेश्चन है वो देखेंगे. तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. द एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. इसी तरह से हमारे तीन पार्ट कवर हो गए सेल बायोलॉजी टॉपिक के बाकी के हम लास्ट पार्ट में देखेंगे. हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन बचेंगे उसमें हम 2020 मतलब 2000 से 2005 तक जितने भी पूछे वो सब देखेंगे ओके. सो वंस अगेन यू सी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ DIPF इज कोवेलेंटली मॉडिफाइंग अ क्रूशियल सेरिन रेसिड्यू बेस्ड ऑन इट्स मोड ऑफ एक्शन DIPF इज यूज एज अ नर्व गैस. नेक्स्ट some other questions like zinc finger glucocorticoid receptor motif leucine zipper leucine c junction helix turn helix lambda pressure and diacylglycerol synthesis
फॉस्फोलिपिड सी, CrEb फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन काइनेज ए एंड GTP हाइड्रोलिसिस रास। ओके सो लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।